बताते हैं खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। दिल्ली पहुंची ठाकरे की स्टार कास्ट, गरीब परिवारों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगी प्रक्रिया, प्रदेश सरकार ने शुरू की ये योजना। HSSC ग्रुप डी की भर्ती प्रक्रिया पर उठा सवाल, आखिर रात में क्यों दिए गए नियुक्ति पत्र, अब देखते हैं खबरें विस्तार। नई दिल्ली, बॉलीवुड के मजे हुए कलाकार माने जाने वाले नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म ठाकरे बहुत जल्द रिलीज होने वाली है। इस फिल्म में नवाज बाल ठाकरे की भूमिका में नजर आएंगे। बता दें कि इन दिनों नवाज लगातार बायोपिक फिल्मों में नजर आ रहे हैं। दिल्ली के कार्निवल सिनेमा हॉल में अपनी फिल्म ठाकरे का प्रमोशन करने पहुंचे नवाजुद्दीन ने बताया कि बाला साहेब की भूमिका निभाना काफी चैलेंजिंग था, लेकिन उनकी जर्नी को पर्दे पर उतारना मेरे लिए खुशी की बात है। इस फिल्म में नवाज के साथ अमृता राव मुख्य भूमिका में नजर आएगी। उन्होंने फिल्म में बाला साहेब की पत्नी मीनाताई की भूमिका अदा की। पुनः प्रदेश सरकार में BPL परिवारों की आय बढ़ाने के लिए कृषक बकरी पालन योजना शुरू की है। इस योजना को पशुपालन विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। इस योजना से BPL और APL परिवारों की आर्थिक स्थिति तो मजबूत होगी ही, साथ ही साथ बेरोजगारी को भी दूर करने में मदद मिलेगी। बता दें कि इस योजना के तहत सरकार द्वारा APL परिवारों को बकरी पालन के लिए 50% से 60% सब्सिडी प्रदान की जा रही है। चंडीगढ़, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से ग्रुप डी की 18,218 पदों की भर्ती प्रक्रिया पूरी की जा रही है। मनोहर सरकार ने हाल ही में इस भर्ती का रिजल्ट निकाला। अब सवाल ये खड़ा होता है कि भर्ती प्रक्रिया सभी मापदंड के अनुसार की गई है, लेकिन इन सिलेक्ट कैंडिडेट्स की नियुक्ति रात के समय क्यों करवाई गई? आखिर प्रदेश सरकार को इतनी जल्दी किस बात की है? बिना किसी सुविधा के नियुक्ति पत्र देना अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS दिल्ली की खबर देखने के लिए आज प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।